Assalamualaikum guys, मेरा नाम उस्मान एंड वेलकम टू देसी डॉग ट्रेनिंग. सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं लेबराडोर्स के बारे में. लेबराडोर्स आर वेरी ग्रेट और बहुत कमाल के ये डॉग्स होते हैं. अब हम लेबराडोर्स की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लें. लेबराडोर ओरिजिनेटेड फ्रॉम न्यूफाउंडलैंड कनाडा इन द अर्ली 800s में इनको बनाया गया था. फिशर्समैन ने बनाया था द स्मॉलर वर्जन ऑफ न्यूफाउंडलैंड, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेमिना हो और मसल उसके बहुत मस्कुलर डॉग हो. ऑफकोर्स इस कुत्ते का इस ब्रीड का नाम न्यूफाउंडलैंड ले सकते थे क्योंकि ऑलरेडी दैट नेम वॉज टेकन. सो जिस सी में वो फिशिंग करते थे, इन्होंने इस फिश के नाम से रख दिया इस कुत्ते का नाम लेबराडोर. लेबराडोर सी में फिशरमैन उस काम करते थे, तो इस वजह से इनका नाम लेबराडोर पड़ा. लेबराडोर्स के कलर्स होते हैं 3, ब्लैक, येलो एंड चॉकलेट. और गाइस, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है आप लोगों के बीच में कि चॉकलेट लैब्स चॉकलेट लैब्स होते हैं, ब्लैक लैब्स ब्लैक लैब्स होते हैं. किसी भी लैब से कोई भी कलर का लैब हो सकता है, इट्स पॉसिबल. लेबराडोर बहुत ही अच्छे डॉग होते हैं. दे आर द नंबर वन मोस्ट पॉपुलर डॉग इन द वर्ल्ड. और इसी के साथ साथ ये प्रॉब्लम्स भी है कि सबसे नंबर वन पॉपुलर होना डॉग्स के लिए बहुत बहुत है. जैसे ओवर ब्रीडिंग लेबराडोर्स बहुत ज़्यादा आ गई. अगर आप बाय करने जाते तो प्लीज़ एक रेप्यूटेबल ब्रीडर से बाय करें लेबराडोर, या फिर आप एडॉप्ट करें. क्योंकि आप चेक करें पपी मेल्स या फिर कोई जो पेट मार्केट होती है, तो कभी जाके डॉग बाय ना करें. उनमें काफ़ी डिजीजेज होते हैं, उनको बहुत बुरी तरह रखा जाते हैं. आप हमेशा जब भी किसी ब्रीडर के पास जाके अगर आप कोई डॉग खरीदते हैं, तो हमेशा उसके मदर फादर्स चेक करें उनका. आप चेक करें कि वो पाकिस्तान कैनल प्लस से उनका रजिस्टर्ड है, तो तब भी आप जाके लेबराडोर बाय करें. स्टेंस के बारे में जाते हैं. लेबराडोर्स आर हाईली ट्रेनेबल डॉग्स. अगर आप फैमिली के लिए चाहते हैं रखना इस कुत्ते को, तो ऑफकोर्स आप बाय करें. फर्स्ट टाइम अगर आप डॉग होने, तो दे आर मेड फॉर यू. दे आर ग्रेट फैमिली डॉग्स एंड दे आर वेरी ट्रेनेबल. अगर आप यू डोंट हैव टू बी अ प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर टू ट्रेन देम. स्टैंड ओबीडियंस ट्रेनिंग बहुत ईजीली हो जाती है. पर अगर आप अपनी फैमिली में घर में छोटे बच्चे, तो अगर आप पपी ले रहे हैं लेबराडोर का, लेबराडोर आर बाइटर्स एंड देर सो उनको छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. लेबराडोर्स पे एक बाइटिंग इश्यूज़ है थोड़ा सा, लेबराडोर्स की ब्रीडिंग में आ रहा है. तो इस वजह से आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अर्ली टाइम पे लेबराडोर को ट्रेन करना शुरू कर दें. एंड दे आर वेरी सोशलाइज्ड डॉग. मतलब कि लेबराडोर्स आर ग्रेट विद पीपल, दे आर ऑसम डॉग्स. आपको गार्ड के लिए डॉग चाहिए, तो लेबराडोर इज़ नॉट मेड फॉर यू. लेबराडोर्स आर वर्स्ट गार्ड डॉग्स एवर. हाँ, ऑफकोर्स अगर आप सही तरह ट्रेनिंग करें, लेबराडोर कैन बी अ गार्ड डॉग, बट दे आर नॉट मेड फॉर दैट. बिकॉज जब फिशर्समैन को बनाया था, और अब हिस्ट्री में लेबराडोर्स पुलिस डॉग्स होते हैं, स्निफर डॉग्स हैं, थेरेपी डॉग्स में इनको इस्तेमाल करते हैं, कि दे आर सर्विस डॉग्स. इसी वजह से लेबराडोर्स की जितने अरसे जो ये बंद रहे हैं ना, लेबराडोर्स के बहुत फ्रेंडली हूँ. जिस तरह पुलिस डॉग होता है, आप देख लें बेशक वो अटैक कर सकता होता है, पर उसको हमेशा किसी भी जगह जाओ तो हमेशा फ्रेंडली होता है. सर्विस डॉग लेने सर्विस डॉग को हर जगह पे हर तरीके बंदे से मिलना होता है, वो इससे मिलता है, तो उनको हजारों सालों से वो जानते हैं. इस तरह से लेबराडोर्स आर टू मच फ्रेंडली डॉग्स. कहते हैं कि लेबराडोर्स में क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, क्या आपको पता चले कि वो लेबराडोर है. पहले तो लेबराडोर के वेब पोज होते हैं, मतलब उसके बत्तख की तरह पोज होते हैं ताकि वो स्विम अच्छा तरह कर सके, इस तरह लेबराडोर के होते हैं. और दूसरी चीज़ है उनकी टेल्स होती है बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है, ताकि उनको स्विमिंग करने में हेल्प करे. लेबराडोर्स का डबल लेयर्ड कोट होता है. दे हैव स्विमिंग, दे हैव वाटर रेजिस्टेंस कोट. सो इस वजह से उनको नहलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा इसके साथ सर्वाइव करना सीखा हुआ है. एंड द फोर्थ थिंग इज दैट उनका माउथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है. मतलब कि लेबराडोर्स का इतना सॉफ्ट माउथ होता है कि अपने मुँह में अंडा भी रख सकते बिना तोड़े हुए, अगर उसे इतना ट्रेन उनको किया गया हो. इन्वायरमेंट पर आते हैं. लेबराडोर्स आर वेरी एडेप्टेबल डॉग्स. मतलब कि देवर मेड फॉर अ कोल्ड वेदर, बट अगर आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं जैसे कि लाहौर, कराची वगैरह, तो दे कैन अडॉप्ट. उनको मतलब कि जरूरत नहीं, पर आपको हम रिकमेंड करेंगे कि उनको लिट अप रखें, क्योंकि स्विमिंग लेबराडोर्स को बहुत पसंद होती है. सो उनको वंस अ वीक या वंस अ मंथ उनको स्विमिंग के लिए किसी जगह पे ले जाए. मैं जो करता हूँ ना, जब गर्मी आ जाती है, मैं काफ़ी गर्म इलाके में रहता हूँ, तो मैं एक टब रखा हुआ है अपने डॉग्स के लिए कि वो स्विमिंग करते हैं. एक तो लेबराडोर्स की एक्सरसाइज भी होती है और वो ठंडे भी हो जाते हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, वो होता है 12 to 13 ईयर्स. ग्रूमिंग इनको नॉर्मल करते हैं, पर इनको नहलाना बहुत मुश्किल होता है. दे शेड अलॉट. मतलब जब स्प्रिंग होता है, जब मौसम चेंज होता है, तब वो आपका पूरा घर सफ़ेद होने वाला है. But guys, they are great dogs, and if you are buying them or you are adopting them, you are doing a great job. Guys, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होती है. अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अपने बाकी सारे डॉग लवर्स के लिए शेयर करें. थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज़.